हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर। सो गाइज, टुडेज अवर टॉपिक इज रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो बेसिकली वी हैव ऑलरेडी नो दैट कि जब कभी भी कोई भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूस अराउंड दैट कंडक्टिंग वायर। सो दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, राइट? बट नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू दैट करंट। सो बेसिकली वी हैव टू जस्ट अप्लाई राइट हैंड रूल। नाउ इफ आवर कंडक्टर सिचुएटेड इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये हमारा कंडक्टर है और इसी कंडक्टर से अगर एक करंट फ्लो हो रहा है, उसकी डायरेक्शन है अपर डायरेक्शन में, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करें? सो बेसिकली हमें यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है। कैसे? सपोज कि ये है हमारा कंडक्टर, राइट, और जो भी करंट है वो ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको अपने राइट हैंड से कुछ ऐसे पकड़ना है जैसे कि हमारा जो थंब है वो बेसिकली अपर डायरेक्शन में रहे, मतलब कि करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए हमारा थंब, राइट? और तब हमारी जो भी फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। सो अवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, जैसे कि हमारी ये फिंगर्स है इन दिस डायरेक्शन, राइट? सो इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैं अगर ड्रॉ करूँ तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, और वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कोसेंट्रिक, तो एक के ऊपर दूसरा, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन गेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल। दिस मेथड इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज के इसी कंडक्टर में हमारे करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें ऐसे पकड़ना है, हमारा थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन टोटली अपोजिट फ्रॉम द प्रीवियस वन, इससे टोटल अपोजिट हो जाएगा। पहले इस डायरेक्शन में मिलती थी बट फिर इस डायरेक्शन में मिलेगी। सो दैट्स द रूल to find the direction of magnetic field due to electric current. So that's it for today guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.